You know, I'm really bored. Like really bored. जब मैं बोर होता ना तो अपना एक कवच पहन लेता हूँ. I wear my apron. And I cook a dish that excites almost everybody. और एक ऐसी डिश है जो सबको एक्साइट करती है. मशरूम मसाला. या तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए और आपके एक्साइटमेंट के लिए लेट्स कुक सम मशरूम मसाला. कॉलिंग एंड एक्शन. यू नो द कॉमन मिसकंसेप्शन दैट वी हैव इन इंडिया इज कि भाई मशरूम जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है. मशरूम हमको गोरों ने खाना सिखाया, विच इज़ नॉट ट्रू. कश्मीर में बहुत टाइम से मोरेल्स उग रहे हैं, गुच्छी उग रही हैं, गुच्छी पुलाव कश्मीर में बड़े टाइम से खाया जा रहा है. गुच्छी सुखा के अमृतसर आती थी, लाहौर जाती थी, पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब में गुच्छी बड़ी फेमस है. ढींगरी जो है वो कश्मीर से और अफगानिस्तान से पंजाब में आती थी. ढींगरी मटर बहुत फेमस है. इट इज़ वे मोर ओल्डर देन यू नो देन जस्ट द 20th सेंचुरी जब कल्टिवेटेड मशरूम्स आए. वी ऑलवेज बीन ईटिंग मशरूम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो इट एज वेल. रेसिपी बहुत सिंपल है. और यही जो रेसिपी है ना, यू कैन जस्ट टेक इट एनी प्लेस. नेक्स्ट टाइम यू डूइंग आलू मसाला और यू डूइंग एनी अदर ग्रेवी वाला मसाला बनाना है ना, तो सेम रेसिपी यूज हो जाएगी. स्लाइस अनियन. ऑल द न्यू कुक्स, जितने भी नए नए कुक्स होते हैं ना, स्पेशली वो कुक्स जिनको बेचारों को ये टेंशन होती है कि शादी के बाद क्या करेंगे, वो टेंशन जो है वैसे तो लड़कों को होनी चाहिए क्योंकि वो टाइम गया कि सिर्फ लड़कियां खाना बनाती थी. बट फिर भी जिन लड़कियों को अभी भी टेंशन होती है कि शादी के बाद क्या करेंगे, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई अच्छी मिक्सी खरीद लेंगे, बस आधा काम तो मिक्सी कर देगी. एंड द डे दे स्टार्ट मेकिंग साइलेंट मिक्सीज ना, बस किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मिक्सी चली है और काम हो जाएगा. तो अभी ये जो ये मसाला ग्रेवी का बेस बना रहा हूँ ना, तमाम वो लोग जिनको ये टेंशन है कि शादी के बाद क्या करेंगे, वो अब ध्यान से देखें. ये है रामबाण, रणवीर बरार का रामबाण, रणवीर बाण. ठीक है ना, तेल हो गया, अभी थोड़ा सा घी. अदरक, लहसुन, आई ऑलवेज से अगर हिंदुस्तानी खाना समझना ना तो प्याज समझ लो. कितना पकाना है, किस स्टेज तक पकाना है, कितना काटना है, यू नो, क्योंकि सब कुछ प्याज पे डिपेंड करता है. ऐसे प्याज को लाइट ब्राउन तक लेके आए बस, ज़्यादा नहीं. उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, धनिया, ये सब लिया. फटाफट मिक्स किया. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना बिकॉज मसाला जल जाएगा. हल्का सा मसाला भुनने की खुशबू आई और पानी डाल दिया, मतलब टमाटर के रस्ते पानी डाल दिया. जैसे ही मसाला भुन गया ना, खुशबू आ गई, पानी और नमक. द वॉटर इज ओनली फॉर द टमाटोज टू कुक. एक बार टमाटर पक गए ना तो पानी नहीं रहना चाहिए इसमें पेस्ट करने से पहले. आइडियली अगर ये मसाला बन जाए तो लास्ट बॉइलिंग में मैं इसमें आधा टीस्पून वाइट विनेगर डाल दूंगा बगैर किसी को बताए. उससे क्या होगा, ये चीज फ्रिज में ऐसे ही ऐसे कम से कम एक हफ्ता रहेगी बराबर, कुछ नहीं होगा इसको. एंड देन यू कैन जस्ट टेक इट आउट, ऐड वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड एंड मेक इट भिंडी मसाला, गोभी मसाला, आलू मसाला, मशरूम मसाला. एज सिंपल एज दैट. ये मशरूम वाली मिस्ट्री थोड़ी सॉल्व करते हैं. सी मशरूम्स जो है ना, अक्सर अ लॉट ऑफ अस डू नॉट यूज, सो वी गेट वेरी कन्फ्यूज कि भाई कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है और मशरूम जो है वो साफ़ नहीं है, कैसे साफ करने हैं, राइट? आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट मिस्ट्री.
पूरा का पूरा स्टेम जो है वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टेम काटना है उसका, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ द स्टेम, या इतना रख सकते हैं। नीचे का भी इसलिए काटा है कि थोड़ा वुडी हो जाता है, जस्ट बिकम्स अ लिटिल वुडी। नाउ मोस्ट ऑफ दीज मशरूम्स, ये जितने मशरूम है ना आजकल जो भी मिलते हैं, ये सब यूजली न्यूज़पेपर स्टैक्स में उगते हैं, मिट्टी में बहुत कम मशरूम उगते हैं, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत कई बार ऊपर आ जाता है समथिंग ब्लैक ऑन द मशरूम, उसके लिए मशरूम को ऐसे आटा लगा लेना है, ठीक है, मैदानी आटा, और उसके बाद यू जस्ट हैव टू रब इट। ऑल यू आर डूइंग इज यू आर स्क्रबिंग द मशरूम्स एंड द फ्लावर इज हेल्पिंग यू, आटा इज हेल्पिंग यू स्क्रब। ये देखिए, यू सी दैट, nice. अब अगर मैं इसमें पानी इससे भी आधा डालता ना, सो इट वुड हैव बिकम अ पेस्ट, राइट, एंड दैट वुड हैव स्टेड इन द फ्रिज फॉरएवर। थोड़ा सा सिरका, विनेगर, हाँ, डोंट फॉरगेट दैट, ब्यूटिफुल। तो ये तो हो गई मसाला ग्रेवी एक किस्म की रेडी हो गई, ठीक है, एक मसाला रेडी हो गया सोस्ट से, अभी बस मशरूम डाल के फिनिश। ये जो डिशेज है ना, भिंडी मसाला, मशरूम मसाला, आलू मसाला, ये सारी डिशेज का ओरिजिन जो है वो पोस्ट पार्टीशन क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर दिल्ली आए, तो उनको कढ़ाई में चीज़ें जो है बनाने की आदत थी, और लाहौर में कढ़ाई में क्या करते थे, एक मसाला डाला जाता था, उसके बाद अलग अलग चीज़ें डाल के टॉस कर दी जाती, बाल्टी कुकिंग या कढ़ाई कुकिंग कहा जाता था। उन्होंने क्या किया, वो मसाला बनाया और उसके अंदर वही अलग अलग चीज़ें स्टर फ्राई करके देना शुरू कर दिया, और उसका नाम भिंडी मसाला या अलग या ढिंगरी मसाला कर दिया, वो मसाला कॉमन हो गया। तो मसाला समझना बहुत ज़रूरी है, दैट पंजाबी स्टाइल मसाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू कुक एनी मसाला डिश एज अ शॉर्टकट। सबसे पहले ऑयल और ऑब्वियसली थोड़ा घी, क्योंकि रणवीर खाना बना रहा है। बस हल्का सा खड़े मसाले स्वेट किए, अनियंस, अगेन अनियंस आर ओनली फॉर चंकीनेस, प्याज डालने के बाद थोड़ी सी देगी मिर्च और मशरूम, नाउ विल जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट सो द मशरूम्स कैन लूज वाटर। नाइस, थोड़ी ग्रेवी और ढक्कन लगा के छोड़ दो। लो जी, डन जी, डन। लास्ट में कसूरी मेथी, धनिया, जस्ट रफली टॉन कोरिएंडर, now this looks like that typical impressing your in-laws kind of platter.